स्मार्ट सिटी शिमला के साथ लक्सिस नोडल नाला यानी बरमू में बने शिमला जल प्रबंध निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की खस्ता हाल का खामियाजा यहाँ की 8 पंचायतों को भुगतना पड़ रहा है। प्लांट की मशीनरी काफी पुरानी हो गई है जिसके चलते सीवरेज खुले में बह रहा है। लोगों ने गंदी बदबू के चलते खेती करना तक छोड़ दिया और डायरिया व पीलिया जैसे गंभीर बीमारियों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आसपास की पंचायतों के लोगों का कहना है कि यहां से जो भी पानी बह रहा है वह करीब 8 पंचायत के लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही कई पंचायतों के लोग यहां पर इस पानी का इस्तेमाल खेती करने में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां के पानी से खेती भी नहीं हो पा रही, अधिकतर सब्जियां इस पानी से खराब भी हो रही हैं। किसानों की आमदनी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। गांव के लोगों ने कंपनी को कई बार शिकायतें की हैं लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। बरमू में सीवरेज ट्रीटमेंट के आसपास बाड़बंदी तो की गई लेकिन इसके गेट खुले रहते जिससे कई बार पशु घुस जाते, प्लांट में गिरने से पशुओं की मौत भी हो गई। प्लांट से आसपास के जंगलों की घास भी जहरीली हो गई है जिससे पशुओं को भी बीमारियां फैल रही हैं। स्नोडन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, इसका टेंडर हुआ था 2020 और 21 में इसका टेंडर हुआ था, ठीक है जी, और 3-4 साल से इसका काम चला हुआ है जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ ढंग से, और इसमें सारी नई मशीनें लग रही थी टोटल जो हमारे को बताया है। और टेंडर के समय जब टेंडर हुआ था 4 साल पहले तो यहाँ सड़क नहीं थी, सड़क ऊपर थी, अब हमने सड़क ये यहाँ सामने ला दी है सर ठेकेदार की सुविधा के लिए अपनी खेत को, ठीक है जी। और लगभग 7-8 पंचायतें, ये जो पानी जाता है गंदा, 7-8 पंचायतें इस पानी का यूज़ करती है, ठीक है जी, और आगे सभी ने खेतों में इस गंदे पानी के चलते हुए सब्जियाँ लगानी बंद कर दी थी, काम बंद कर दिया है। पशु पक्षी जो नाले में पानी पीते हैं वो इसमें पी नहीं सकते, और जो हमारे पशु है वो भी इसमें चरते नहीं है, ना घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, ठीक है जी। और सबसे बड़ी जो मेन समस्या है, हमारे जब बुजुर्गों की किसी की डेथ होती है तो इन नदी नालों में जलाते हैं, यहाँ हमारे को स्थान दिया गया है, तो इसमें गंदे पानी में हमारे को डेड बॉडी जलाने में बहुत परेशानी आती है, हम पानी को टच नहीं कर सकते, और बदबू से हमारे घरों और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। गंदगी के कारण बहुत ज़्यादा मच्छर है यहाँ पे, मच्छर मक्खी हमारे घरों में खाने खाते हुए हमारे मुंह में घुस जाते हैं, कमरों में बदबू है, ठीक है। पाइपों के टूटने के चलने से हमारा काम करना मुश्किल हो गया, जो पाइपलाइनें बिछी है जिसमें ये गंदगी आती है वो हर जगह टूटी हुई है, और जो यहाँ पे भी लड़के काम करते हैं ना, जो यहाँ वर्कर है वो भी इस ऐसी गंदगी में बीमार हो जाते हैं। और जो IGMC से लाइन आई, हाँ जो IGMC से लाइन आई इससे ज़्यादा दिक्कत, और एक बाईपास से लाइन आई हुई है, जो एक लाइन IGMC से आई हुई है, एक लाइन वहाँ से आई हुई, और वो जगह जगह टूटी हुई है, और कई बार उनको फोन कर दिए, अभी आपको बताया भी एक भाई साहब ने, टैंकियों में जो ये गंदगी है, टैंकियों में गंदगी चली गई पानी में, इतना बुरा हाल है, और गंदगी से पशु घास वगैरह नहीं चर पाते हमारे, वो तो मैंने बताया ही, और इसके गेट सारे खुले, टूटे सारे गेट, अभी भी इसमें इनके भाई साहब के 2 पशु इसमें गिरे, और अभी यहाँ जो वर्कर है अभी कुछ शायद 1 महीने पहले वो वर्कर भी इसमें मरने से बचा, वो गिरा इसमें, ठीक है। और जब भी शिकायत करते हैं तो सिर्फ हमारे को आश्वासन दिया जाता है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है जी। बारिश और धूप में हर समय बदबू चली रहती है, जब बदबू आती है ये कहते हैं आज धूप तेज है इसलिए आ रही है, फिर कभी कहते हैं बारिश हो गई है उससे बदबू आ रही है। अच्छा बार काम करने के लिए क्या है, जो छोटे वर्कर हैं ना उन पे प्रेशर डालते हैं, उनके ऊपर जिम्मा ठोक देते हैं कि ये काम नहीं कर रहे हैं, और पीने के पानी के स्रोत खराब हो चुके हैं हमारे, इस साइड से उस साइड से जो छोटा छोटा चश्मे पानी है उसमें सारे में गंदगी चली गई, और आगे हमारे गऊ सदन है वहाँ को वही पानी जा, वहाँ पूरी गऊएं कितने कम से कम 50 पशु है वहाँ पे छोटे बड़े, वो भी इस पानी को नहीं पी पाते, वहाँ भी हमारे को समस्या आ रही है, और जो हमारे बच्चे हैं वो लोग इनमें पानी में आ जा नहीं सकते गंदगी के कारण, और आगे मेरे ख्याल में पता नहीं गाँव कालटू है, कालटू से लिफ्ट होता है, कालटू जगह है, एक जगह यहाँ से मेरे ख्याल में 2-2.5 किलोमीटर वहाँ से शिमला के लिए और घैणी के लिए पानी लिफ्ट होता है, और यही गंदगी पीने के लिए जाती है, जंगली जानवर भी इसमें पानी नहीं पी पाता है, और अगर यहाँ पे लोकल आदमी ने किसी ने होम स्टे वगैरह बनाने या किराए पे बनाने कौन रहेगा यहाँ, हमारे को तो मजबूरी है, यहाँ कोई नहीं टिकता, और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो हमने सुना है 1,00,000,000 रुपए दिए गए हैं इसके लिए कि ये सफाई चलेगी, अगर ये ढंग से नहीं चल पाता है तो इसको इतना 1,00,000,000 रुपए लगाने की ज़रूरत क्या है, इसको ऐसे ही बहा दो, इतना पैसा खर्चने की ज़रूरत क्या है,
जो इसके बिल आते हैं बिजली के बिल इसमें मेरे ख्याल में हजारों और लाखों में आते हैं, तो उसका यूज़ क्या है? ठीक है जी, अच्छा इस समस्या के चलते हुए आप अगर नई पाइपलाइन वगैरह बिछानी है ना जी, तो लोकल आदमी ने बिल्कुल मना कर दिया है, डिपार्टमेंट की हेल्प करने के लिए बिल्कुल नाराज है यहाँ के लोकल लोग। और इसमें जब ये बनाया था जो ये डिपार्टमेंट वाले कहते हैं इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जो ये सामने परे बने हैं इसमें धूप नहीं आती और उसकी वजह से सूखता नहीं, ये जो गंदगी है, मतलब वो हर चीज़ का बहाना ही बहाना बनाते हैं, बहाना ही बहाना है सब, और बाकी सब आपके सामने दिख रहा है। कैसे भाई, क्या हुआ? किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले हो कोई? अभी हम तीन चार पंचायतों के प्रधान और उप प्रधान और ये मेंबर वगैरह, हम अभी पिछले महीने आज से कोई 22 दिन पहले हम एक्शन साहब से मिलने गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे जो पुराने यहाँ के ठेकेदार थे और जो नया लड़का है ठेकेदार कंपनी का और क्या नाम है SDO JE एक्शन सब थे वहाँ पे, और हमारे को 18 तारीख का टाइम दिया था। और जब 18 तारीख को मैंने यहाँ से फ़ोन किया तो मेरे को कहते हैं एक्शन साहब कि ठाकुर साहब हो जाएगा। मैंने बोला हो ही तो रहा नहीं ये काम, ये टैंक कम से कम एक साल तक ख़राब रहा है, और इसका टेंडर जो मैंने सुना है 22-23 लाख का टेंडर हुआ इसमें, और मशीनें देखो सारी की सारी पुरानी है। और अभी चार दिन पहले आया मैंने इसकी वीडियो बनाई, ये खड़ा था, ये चल नहीं रहा था, ये ख़राब हुआ, मैंने शिकायत की, अब इसमें पुरानी मशीनियाँ कर जाते ठीक, और चार दिन के बाद ये ख़राब हो जाता है। ये जो पीछे टैंक बन रहा है आज देखो इसमें लेबर, हमने बोला काम बढ़ाओ, एक भी लेबर काम नहीं कर रही, लेबर को तो छुट्टी नहीं होती है, आज एक भी बंदा इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। और जो सामान आना था वो ऊपर से आना था 1 किलोमीटर दूर से, एक ये सामने सड़क है हमने पहुँचाई है। अपना नाम बताया कहाँ से? चल्ला ठाकुर, मैं ग्राम पंचायत जली बनेड़ी से बिलोंग करती हूँ, हम भी यहीं रहते हैं, और यहाँ ऐसा है कि उससे बीच की पाइप जगह जगह लीकेज है, और मतलब पशु को बाहर बांधना भी बड़े मुश्किल है, बाकी जो हमारे पीने का पानी है उसमें भी ये सीवरेज का पानी आ रहा है, और कुछ दिन पहले ऐसे कि हमें बाजार से पानी लाना पड़ रहा था, और मतलब बहुत